हेलो, नमस्कार, वणक्कम। आज हम पढ़ेंगे मल्हार टेक्स्ट बुक, जो कि आपकी हिंदी की किताब है, पुस्तक है, कक्षा 6 के लिए। उसका 8वां चैप्टर जो कि है सत्रिया और बिहू नृत्य। ये आसाम में इस कहानी को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन काफी सारा डिटेल्स है और ज्यादा कठिन नहीं है। भाषा के अंदाजे से देखें तो, भाषा के नजरिए से देखें तो ज्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है। तो सीधे चलते हैं कहानी के अंदर। चलिए, सत्रिया और बिहू नृत्य। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी यानी कि कलरफुल, आई कीप टेलिंग यू द वर्ड मीनिंग्स इन इंग्लिश, और इसमें ज्यादा, जैसे मैंने कहा, कठिन शब्द नहीं है। सुंदर, प्राचीन, प्राचीन मतलब एंशियंट। डू यू वॉन्ट मी टू कीप राइटिंग इट आउट हियर और विल यू कीप नोटिंग इट डाउन? आप नोट कर लीजिए तो बेहतर होगा। इस चैप्टर के मैं कुछ नोट्स नहीं दे पाऊंगा, मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। कलरफुल, ओके। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, और जीवन से भरी संस्कृति, संस्कृति मीन्स कल्चर, ओके। पूरी दुनिया में अनोखी है, अनोखी मतलब इट्स अ लिटिल, इट होल्ड्स अ यूनिक पोजिशन, ओके। उसकी एक अपनी अलग जगह है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, खान पान मतलब व्हाट यू ईट, भाषा, लैंग्वेज, पहनावा, व्हाट वी वेयर, रहन सहन, द वे वी लिव के तरीके, सब कुछ इतने मोहक है। मोहक मीन्स यू नो दे आर वेरी अमेजिंग, कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। दैट इट ड्रॉस पीपल टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज इट्स वेरी यूनिक इन द वे दैट ए पर्सन इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में जो व्यक्ति रहते हैं, उनकी वेशभूषा, उनके खाने का जो खाते हैं, उनकी संस्कृति, उनके त्योहार पंजाब के व्यक्ति से अलग होती है, आसाम के व्यक्ति से अलग होती है, हिमाचल के व्यक्ति से अलग होती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, जो हमने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है, सोशल साइंस में भी, ओके। सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। इस पार्ट में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है, लंदन से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहां आए हैं और क्यों आए हैं। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इन्होंने भूमिका बांध दी है कि क्या होता है इस कहानी में। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके किंसिंगटन में रहती है थी, ओके। सो एंजेला हमारे कहानी की एक मुख्य पात्र है, ओके। शी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। शी लिव्स इन ए वेरी प्रोमिनेंट एरिया ऑफ लंदन कॉल्ड किंसिंगटन। दिस इज स्पेल्ड लाइक दिस, ओके। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। हर हाउस वॉज वेरी क्लोज टू हर होम, हर स्कूल। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। शी वॉज सिंगल चाइल्ड, शी डिड नॉट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। सो हु वर हर टू फ्रेंड्स? जेम्स एंड कीरा, दीज वर हर टू फ्रेंड्स हुज ड्रॉइंग्स हैव बीन मेड आउट हियर। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक, काल्पनिक मीन्स इमेजिनरी, ओके, इमेजिनरी स्टोरीज खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था। दैट इज दे लाइक टू बी कैरेक्टर्स इन सच स्टोरीज। ऐसी कहानियों में उनको एक तरह का रोल निभाना अच्छा लगता था, जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। वेयर देयर आर स्टोरीज अबाउट प्लेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लैंड्स, फार अवे लैंड्स, दूर दराज के कोई इलाकों में की जगहों के बारे में कहानियां हो, उसके बारे में पात्र बनना उनको पसंद आता था। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज मींस वेरी फार अवे की दुनिया का जिक्र हो। जिक्र मींस मेंशन, ओके। प्लीज कीप राइटिंग इट डाउन एज आई एम मेंशनिंग, ओके। जिक्र मींस मेंशन, कि उसका, यू नो, इट इज मेंशन। दूर दराज मींस फार अवे, ओके, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज इट विल बी सिंपल वर्ड्स। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, आइफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। ना आपसे ये पूछा जा सकता है कि ताजमहल, आइफिल टावर और कोलोजियम कहां पे हैं? कोलोजियम है रोम में जो कि इटली में है, आइफिल टावर है पेरिस में जो कि फ्रांस में है, ताजमहल ऑफकोर्स आगरा इन इंडिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अंदाजा मीन्स शी डिड नॉट हैव द, यू नो, द स्लाइटेस्ट इंडिकेशन कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली है। शी डिड नॉट हैव द
यू नो फॉगिएस्ट ऑफ आइडिया, यू नो उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बारे में वो इतना सोचती थी, खास करके भारत में जाने के लिए जहां पर ताजमहल है, उसका वो सपना सच होने वाला है। एंजेला की माँ अलेक्सेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं, बनाता था ज्यादा, आजकल ज्यादा नहीं बनाता, लेकिन आई हैव मेड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं जनरली हाफ एन आवर, 45 मिनट्स वगैरह के, एक पर्टिकुलर इश्यू पर हम इन डेप्थ में उस चीज को हम शूट करते हैं, कैमरा पर कैद करते हैं, वॉइस ओवर देते हैं, लोगों को इंटरव्यू करते हैं, उसको पूरी तरह से एडिट करके प्रस्तुत करते हैं, उसको फिल्म फेस्टिवल्स में भेजते हैं, टीवी पर आती हैं, तो इस तरह की काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। तो एंजेला की माँ अलेक्सेंड्रा भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी, निर्माता मतलब प्रोड्यूसर। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकेडमी से आसाम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। व्हाट डज इट मीन, वित्तीय मदद मींस फाइनेंशियल हेल्प। ओके, सो शी वाज गिवन फाइनेंशियल हेल्प, मींस फाइनेंशियल, शी वाज गिवन एन अमाउंट ऑफ मनी बाय द ब्रिटिश अकेडमी व्हिच इज बेस्ड इन लंदन। बाय द ब्रिटिश अकेडमी इन लंदन दे गेव हर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। क्यों? उनसे ये कहा गया कि आसाम विच इज ए स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, वहां के नृत्य परंपरा, देयर इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ आसाम, उसके ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए। ओके, ये कहा गया ताकि उसको किसी टीवी चैनल पर दिखाया जा सके। समझ में आ गई बात? पेचीदा बात ये थी, पेचीदा मींस द कॉम्प्लिकेटेड, द कॉम्प्लिकेशन वॉज दिस। नाउ दिस वॉज नॉट, वेल आई मीन यू मस्ट से ओके वी आर गिविंग यू मनी, यू गो टू आसाम एंड यू शूट दैट डॉक्यूमेंट्री, सिंपल। बट देयर वॉज अ कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या था? पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त था। सो शी वॉज टोल्ड कि आपको इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को बना के एडिट करके हमको सबमिट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक महीने का समय है। ओके, तो समय सिर्फ 30 दिनों का है, विच इज क्वाइट लेस। मुझे मालूम है कि शूट करने में पहले, उससे पहले रिसर्च करने में, फिर जाके इंटरव्यूज फिक्स करने में, ट्रैवल करने में, शूट करने में, फिर आके उसका स्क्रिप्ट लिखने में, फिर एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। ओके, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। आपको लगता है ना कि क्या टीवी पे क्या दिखा रहे हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, देर आर सम स्टूडेंट्स, और मैं अगली बार में नाम देके उनको शर्मिंदा करूंगा, देर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग वेरी अब्यूसिव कमेंट्स ऑन द यूट्यूब वीडियोस। छठी कक्षा के, जो कि यू नो हु आर 1/4 ऑफ माय एज, ओके, तुम सब 10-11-12 साल के हो गए। ओके, सी मेरा, आई हैव वेरी सिंपल थिंग टू से टू यू, यू राइट एनीथिंग एब्यूसिव, अगर कुछ गाली दे के कुछ लिखोगे, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा। उससे नुकसान तुम्हारा ही होगा, उससे तुम वीडियो देख पाओगे लेकिन उसके बाद तुम मुझसे कोई भी बात नहीं कर पाओगे। आपका कमेंट, आप कुछ भी लिखिए, मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि आपका नाम मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो इसका मतलब आगे आपको कोई जेन्युइन डाउट भी होगा, और आपने देखा होगा कि मैं डाउट्स का जवाब देता हूं जब भी हो सके। ओके, अगर किसी को कोई डेफिनेशन नहीं मालूम है या किसी को किसी चीज को ठीक से समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं, क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, तो उससे आपको वो फायदा नहीं होगा। ओके, तो आपकी मर्जी है, आपको गाली देनी है शौक से गाली दीजिए, मैं सीधा ब्लॉक बटन दबा दूंगा। उसके बाद जिंदगी भर उस ईमेल आईडी से आप मुझसे कोई भी डाउट नहीं पूछ सकेंगे, मर्जी आपकी है। अगर आपके पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली, द चॉइस इज योर्स। इफ योर चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइट एन एब्यूसिव कॉमेंट, एंड आई हैव रिसीव्ड कॉमेंट्स from children who are 6th class students, next time if I get one more, I will name those students and name and shame those students who are writing those kind of students. Just now I got a comment from somebody called Riddhi Bhatia, and I blocked that student. That child was immediately blocked, simple and straight. For life, she will not be able to interact with me ever and ask any doubts. The loss is yours, not mine. Mujhe koi farak nahi padta isse. Okay, so I'm saying this very clear. 10-11 साल के बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, प्यार से पढ़ो, मैं पढ़ाने को तैयार हूं, फ्री में पढ़ाता हूं, कुछ पैसा नहीं लेता हूं।
टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द फ्री क्वालिटी एजुकेशन दैट आई एम गिविंग हियर आउट हियर। ओके, इसमें समय लगता है, हर चीज को मैं प्रिपेयर करके रिकॉर्ड करने में इसमें काफी समय लगता है। एज़ आई सेड, आई एम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, तो मैं वहां का समय निकाल के यहां पे कर रहा हूं, रिस्पेक्ट दैट। ओके, अदरवाइज आपके स्कूल के टीचर्स हैं तो यहां पर यूट्यूब में आने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो कि पढ़ने में सीरियसनेस दिखाएं। ओके, हु वांट टू एक्सेल इन लाइफ, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, द चॉइस इज योर्स। आप वीडियोस देख पाएंगे लेकिन मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, दैट्स द ओनली थिंग। उन्होंने एंजेला के स्कूल में उसकी बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली। ओके, सो शी got the permission from her school of her daughter Angela ki kya Angela jitni din ki chuttiyan hain, okay, in the month of April usse ek hafta aur chutti le sakti hai kyunki usko Bharat travel karna padega apni maa ke sath, jisse Angela aur uske pita ka naam kya hai, Brian ki spelling English mein ye hogi, okay, Angela ki spelling to ye hogi, okay, उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके, सो दैट ऑल थ्री ऑफ देम, फादर मदर एंड डॉटर, कैन ट्रैवल टुगेदर टू आसाम। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, सो वो काफी सरप्राइज थी कि अरे इतना जल्दी कार्यक्रम बन गया आसाम जाने का, पर उसकी माँ समय में यह काम पूरा कर सके इसलिए वे जल्दी ही तैयार हो गए। बट शी वॉन्टेड टू कॉपरेट ताकि उनकी माँ भी अलेक्सेंड्रा वॉज एबल टू फिनिश दिस वर्क फास्ट। सो यू सी दिस मैप, सो दे आर बेस्ड इन लंडन। ओके, लंडन से यू टेक ए फ्लाइट विच इज 14 आवर्स 40 मिनट्स, इतना टाइम तो नहीं लगता है, एंड रीचिंग आसाम। ओके, बिकॉज आई एम सेइंग बिकॉज आई स्टडीड नियर लंडन इन ए प्लेस कॉल्ड कार्डिफ, एट कार्डिफ यूनिवर्सिटी आई स्टडीड। ओके, सो दैट्स विच इज कार्डिफ इज अबाउट 4 to 5 आवर्स बाय रोड। ओके, लंडन लैंड करके वहां से बस में जाना पड़ता है कार्डिफ, अबाउट 4 to 5 आवर्स, ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, एंड आई हैव गॉन टू आइफल टावर इन फ्रांस, आई हैव नॉट गॉन टू इटली बट आई हैव गॉन टू फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ब्यूटीफुल कंट्री, वहां पे गया हूँ। सो आई हैड गॉन फ्रॉम लंडन टू बेल्जियम, बेल्जियम टू फ्रांस, देन फ्रॉम फ्रांस वी वेंट टू ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया टू वी वेंट टू जर्मनी। जर्मनी कहाँ पे है मैप में दिख नहीं रहा, यहाँ पे कहीं पे है, आई थिंक ये सब जर्मनी होगा। So we went to Germany from there, and from Germany we came back to London. दूर की बहुत पुरानी बात। Okay, now जब तक Angela कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन में नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। तो जब तक you know Angela things moved very fast that she did not realize कि क्या हो रहा है, and बहुत जल्दी ही वो दिल्ली via Delhi she was on the flight to Guwahati which is the capital city of Assam. यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को आसाम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। सो जब वो फ्लाइट पर थी लंदन टू दिल्ली टू गुवाहाटी, उस फ्लाइट के दौरान उनकी माँ ने, एंजेला की माँ ने उन्हें आसाम की सुंदरता के बारे में कई सारी बातें बताई। आसाम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इट्स ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसे अपने वन्य जीवन यानी कि वाइल्ड लाइफ, वहां पर राइनोसरस मिलता है। ओके, राइनोसरस मिलता है विच इज one of the main animals of Assam. In fact, वहाँ पर मेरे पास एक artifact है rhinoceros का। जब हम मैं आसाम गया था 2008 में, okay, my sister and brother-in-law were living there. जिसे अपने वन्य जीवन, काजीरंगा नेशनल पार्क है, कभी मौका मिले जरूर जाइए। रेशम यानी कि सिल्क और चाय, वहाँ पे टी गार्डन्स मिलते हैं, ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टेट। ओके, सो इट्स फेमस फॉर टी, इट्स फेमस फॉर इट्स सिल्क, एंड इट्स फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ के बागानों, मींस टी गार्डन्स के लिए जाना जाता है। इसके साथ आसाम में नृत्य की भी समृद्ध परंपरा है। देयर इज समृद्ध मींस इट इज नोन फॉर इट्स डांस फॉर्म्स, परंपरा मींस द ट्रेडिशन। अलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में आसाम की जनजीवन के नृत्य के महत्व को तलाशना था। सो अलेक्जेंड्रास डॉक्यूमेंट्री वॉज टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट कि उनके लाइफ में the importance of dance form in the life of the people of Assam, ye uske unke documentary ka topic tha. Main fir se bata deta hu ki Assam mein jitne bhi log rehte hain unke jeevan mein nritya kya kaam, kya importance hai, kya mahatv hai, uske bare mein unko documentary banane ke liye vittiya sahayata di thi kisne, British Academy ne jo ki London mein hai।
समझ में आ गया? प्लीज कीप लिंकिंग इट लाइक दैट. मैं आई कीप रिपीटिंग ताकि आपका रिवीजन साथ साथ में हो जाए. वे जब यहां आ रहे थे, तलाशना मींस शी नीडेड टू इन्वेस्टिगेट. वे जब यहां आ रहे थे तो अप्रैल का महीना चल रहा था, सो शी केम देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, आसाम में ये नए साल का वक्त होता है, दैट इज द टाइम व्हेन आसाम सेलिब्रेट्स न्यू ईयर. ओके, जो बीहू के नाम से जाना जाता है. ओके, बसंत के आने की खुशी में वे सभी, बसंत इज द स्प्रिंग सीजन, बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बीहू कहा जाता है. एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी. सो द मोमेंट दे लैंडेड इन गुवाहाटी दे वर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल विच इज कॉल्ड बीहू. ओके, गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए. ओके, सो वो गुवाहाटी के पास एक जगह पर गए जिसका कि नाम है मलंग. गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बीहू एक कृषि आधारित त्योहार है, दैट इज इट इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल. ओके, भारत में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किसानों का है, ऑलमोस्ट 55-60% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया. मैंने ये सोशल साइंस पे भी आपको बताया है अप्रोक्सीमेटली. ओके, बल्कि 2011 सेंसस, उसके बाद 21 का सेंसस नहीं हुआ, तो यू नो इट वी डोंट हैव द लेटेस्ट फिगर्स. सो भारत की पॉपुलेशन में एक अहम हिस्सा उन लोगों का है जो कि कृषि प्रधान कार्यों में काम करते हैं. दे वर्क ऑन द फील्ड्स, दे सेल ग्रेन्स, या दे आर डूइंग विनोइंग, यू नो ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई टॉट यू इन सोशल साइंस. आसाम में बिहू साल में 3 बारी मनाया जाता है. ओके, नाउ दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये 3 बारी, इनफैक्ट व्हेन आई वेंट बिहू वाज बीइंग सेलिब्रेटेड इन आसाम. सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, दैट इज व्हेन दे आर सोइंग द सीड्स. ओके, उस समय पर बिहू मनाया जाता है. फिर जब धान रोपते हैं. ओके, और फिर जब जब खाद खेत में अनाज तैयार हो जाता है, सो व्हेन द अनाज इज रेडी टू हार्वेस्ट, और जब वो धान को रोपते हैं, दैट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स. एंजेला कार से उतरी, वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रत हो थी. यू नो दैट शी इज वेरी हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ द हैप्पी एटमॉस्फेयर, द फेस्टिव एटमॉस्फेयर इन दैट प्लेस. जब वो कार से उतरी, वहां एक बड़े से बरगद, बरगद मींस द बैनियन ट्री, के पेड़ के नीचे मंच बना था. सो देयर वाज अ प्लेटफॉर्म बीनीथ द बैनियन ट्री. ओके, वे जगह लोगों से भरी हुई थी एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल देयर. एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक स्थान, इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था. इनफैक्ट दैट्स अ फनी पार्ट, व्हेन आई वेंट फ्रॉम हियर टू लंडन एंड कार्डिफ, लंडन तो फिर भी काफी लोग होते हैं, कार्डिफ में आप देखेंगे अगर आप संडे शाम को बाहर निकलेंगे आपको कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखेगा. ओके, वैसे भी लोग बहुत ही कम होते हैं, वहां की जनसंख्या काफी कम होती है, तो अगर आप वहां से भारत जैसी जगह पर आएंगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप इतने सारे लोग, क्योंकि उनकी जनसंख्या काफी कम है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की, तो उनको लगेगा अरे बाप रे इतने सारे लोग यहां पर, क्योंकि वहां पर इतने सारे लोग कभी भी नहीं दिखते हैं. ओके, तो मैं जब वहां पर गया पढ़ने के लिए तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लासमेट्स के साथ हमको लगते थे अरे यहाँ कोई दिखता ही नहीं है. ओके, सो एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक स्थान, इतने लोगों को कभी पहले नहीं देखा था. वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई है. तो शी वॉज फीलिंग कि वो किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई है और एक पूरी अलग सी दुनिया में आ गई है. ओके, या क्या वे उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी, और इज दिस सम काइंड ऑफ अ ड्रीम दैट आई एम सीइंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड, वेरी डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड दैट शी वॉज स्पेंडिंग इन लंडन. वे मंत्रमुग्ध मतलब टोटली अचंभे से, यू नो शी इज टोटली अंडर अ स्पेल, यू नो कि अरे वाह काइंड ऑफ अ थिंग, टोटली सरप्राइज्ड होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन का नृत्य देखने के लिए, आगमन मींस द अराइवल, सो द अराइवल ऑफ द बसंत ऋतु ऑफ द स्प्रिंग सीजन. ओके, सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो लड़के लड़कियों का जो नृत्य कर रहे थे उसको देखने में शी वॉज कंप्लीटली अंडर स्पेल, शी इज लुकिंग एट इट विद अ लॉट ऑफ सरप्राइज. एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे थे, वाद्य यंत्र मींस इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहनी थी. पोशाक मींस ड्रेस. ओके, सो द गर्ल्स वर वेयरिंग बादामी रंग,
बादाम का रंग जो होता है स्लाइटली येलोइश ब्राउनिश और लाल कलर का, सो वेरी कलरफुल काइंड ऑफ अटायर विद डिजाइंस, उस तरह के वेरी ब्यूटिफुल अटायर्स ड्रेसेस दे वर वेयरिंग लाइक यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे, नो सो इट वाज लुकिंग वेरी कलरफुल एंड वेरी वाइब्रेंट। उनका हिलता डुलता शरीर, यू नो सो दे वर एबल टू मूव देयर बॉडीज व्हाइल दे वर डांसिंग। हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए थे, दैट दे वर रियली एंजॉयिंग देयर डांस। उसकी इच्छा हुई कि वे भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। ओके, तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या वो करेगी बाद में? जी हाँ करेगी, अंत में करेगी। ओके, तो उसकी इच्छा हुई कि यू नो व्हेन द स्प्रिंग सीजन कम्स टू लंडन शी वुड आल्सो वांट टू डू द सेम थिंग एट हर होम। सो दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ द बिहू नृत्य विच दे डू टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ द बसंत ऋतु। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया, यानी कि वेरी टेस्टी ईटेबल्स, ओके टेस्टी डिशेस। ओके, लजीज मींस टेस्टी, पकवानों मींस ईटेबल्स, नो खाने की चीजें, तो वो खाने में भी उनको बहुत मजा आया। ओके, अचंभित मींस सरप्राइज्ड, आई मीन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। जब वे वापस लौटे तब मां ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। सो द मदर आस्क्ड एंजेला, हाउ डिड यू फाइंड द डांस फॉर्म एंड द एंटायर फेस्टिवल। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, हर माइंड लॉट ऑफ थॉट्स वर गोइंग ऑन इन हर माइंड। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द फेस्टिवल इज कॉल्ड बिहू और जो डांस फॉर्म है उसको भी बिहू कहते हैं, दोनों का नाम ही बिहू है। ओके, बिहू स्पेल्ड लाइक दिस, ओके HU। उसने मां से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होता है। सो शी वॉन्ट्स टू नो कि सिर्फ यहां पर ओनली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स ही क्या लोग इस तरह से गाना गाते हैं, इस तरह से नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। माँ ने बताया, बिकॉज माँ ने तब तक काफी रिसर्च कर लिया था, तो माँ को इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी। सो माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। What is the meaning of this? The meaning of this is that कि पूरी दुनिया में, in the entire world, okay, in different culture, संस्कृतियां means cultures, in different cultures, people express their feelings, भावनाओं means feelings, their emotions, their sentiments, okay, through dance and music. So if I want to express my sentiments, if I want to express my emotions, मैं उसको कैसे करूंगा? मैं नाचूंगा, मैं गाना गाऊंगा, उससे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा, उसको एक्सप्रेस करूंगा। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है, इट हैपेंस वेरी ऑफन हियर इन इंडिया अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन इंडिया, खास तौर से मींस स्पेशली पर्टिकुलरली इन इंडिया। आसाम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। सो द बिहू डांस फॉर्म ऑफ आसाम, इट इज एसोसिएटेड विद रूरल लाइफ, ग्रामीण जनजीवन मींस, ग्रामीण मींस रूरल, जनजीवन मींस लाइफ। सो अलोंग विद रूरल लाइफ इट इज एसोसिएटेड विद सोइंग, जब फसल लगाते हैं, और उसके बाद जब बसंत ऋतु आती है कि आगमन मींस द अराइवल ऑफ बसंत ऋतु, इट इज एसोसिएटेड विद ऑल दैट। सो बिहू डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद रूरल लाइफ, विद सोइंग एंड द अराइवल ऑफ द बसंत फेस्टिवल। एंजेला की मां अगले कुछ दिन, नाउ दिस इज अ फोटोग्राफ विच दे हैव कैरिकेचर विच दे हैव ड्रॉन, यू नो विद द कैमरा द मदर इज शूटिंग। एंजेला की मां अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य, तथ्य मींस फैक्ट्स, ओके तथ्य means facts, you know, because you need to collect information. I told you, know, for a documentary, you need to research and collect a lot of information. And especially जब बाहर से आते हैं तो उनको तो और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी, because उनको ज्यादा जानकारी नहीं है भारत के जनजीवन के बारे में और यहाँ की त्योहारों के बारे में। और साक्षात्कार, साक्षात्कार means interview, okay, लेने में व्यस्त रही, व्यस्त मींस बिजी, तो शी वॉज बिजी इन कलेक्टिंग फैक्ट्स, रिकॉर्डिंग इंटरव्यूज, शी वॉज बिजी।
एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया. सो शी वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. हु द डॉटर. उसने महसूस किया, यू नो शी फेल्ट कि लंदन के जीवन से यहां सब कुछ कितना अलग है. यू नो कि एवरीथिंग इज सो डिफरेंट. उसे अपनी मां पर गर्व हुआ. शी फेल्ट प्राउड ऑफ हर मदर. लाइक माई वाइफ इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड आई कैन टेल यू माई डॉटर फील्स वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ अस. वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है. यू नो शी इज लाइक अ साइंटिस्ट स्टोरी टेलर. यू नो शी इज लाइक अ साइंटिस्ट स्टोरी टेलर जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजों एक साथ देखते हैं. नो हु इज एबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू द फिल्म्स दैट शी मेक्स, थ्रू द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स शी मेक्स. अगले दिन वे उत्तरी आसाम की तरफ रवाना हुए. अगले दिन वो गुवाहाटी से, नाउ गुवाहाटी इज इन द वेस्टर्न पार्ट एंड देन दे मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट, ओके, व्हिच इज नोन एज अपर आसाम. देयर इज अ लोअर आसाम एरिया, देयर इज एन अपर आसाम एरिया. ओके, आई हैव ट्रैवल्ड टू बोथ पार्ट्स. अगले दिन वे उत्तरी आसाम की तरफ रवाना हुए. रवाना मीन्स दे सेट फोर्थ, जहां सभी सत्रों अर्थात मठों का पीठ था. मठ इज अ रिलीजियस सेंटर, यू नो वेयर देयर आर साधुस एटसेट्रा लिविंग. ओके, वे सभी एक सत्र के, सत्र इज लाइक ए मठ. ओके, वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे. फिल्मांकन मीन्स टू शूट व्हाइल द सत्रिया नृत्य इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड इट इज डन बाय दिस सत्र. ओके, सत्र यानी कि मठ, वहां पर ये सत्रिया नृत्य होता है, उसको भी उस डॉक्यूमेंट्री में इंक्लूड करना है. बिकॉज टॉपिक क्या था, आसाम के नृत्य, राइट. सो बिहू नृत्य को शूट कर लिया, को रिकॉर्डिंग कर ली, अभी सत्रिया नृत्य की भी रिकॉर्डिंग करनी है उनकी मां को. जब वे दक्षिणा पथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई. सो द नेम ऑफ दिस सत्र वेयर दे वेंट इज कॉल्ड दक्षिणा पत्र सत्र. ओके, दैट्स अ नेम. ओके, इट्स अ प्रॉपर नाउन. उनकी मुलाकात मींस दे मेट रीना सेन से हुई, जो कि आसाम की जानी मानी लेखिका है. शी इज अ वेरी वेल नोन राइटर ऑफ आसाम, रीना सेन. उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था. सो दे वर अ गेस्ट एट रीना सेन्स हाउस. सो दे वर लिविंग एट हर होम. रीना आंटी की एक बिटिया थी. शी हैड अ डॉटर, उसका नाम था अनु. अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा. उन दोनों की ही उम्र 10 साल. सो दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ द दक्षिणा पत्र सत्र, दक्षिणा पथ सत्र, एंड दिस इज द सत्रिया डांस. सो बोथ वर ऑफ सिमिलर एज, बोथ वर ऑफ सिमिलर एज. दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की. सो अनु न्यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सो दैट मेड एंजेला फील वेरी कंफर्टेबल. अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए. सो शी टॉट हर द लोकल लैंग्वेज. एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे. सो द टॉयज दैट अनु हैड वर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एंजेला'स टॉयज बैक होम इन लंडन एंड शी लाइक्ड दीज टॉयज. गुड़िया लकड़ी के खिलौने, खिलौने टॉयज मेड ऑफ वुड, और नारियल की जटा से बने घर, यानी कि द टॉय हाउसेस मेड विद कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है. कितने अनोखे खिलौने, यू नो शी थॉट देयर वाज सच वंडरफुल लुकिंग टॉयज. उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे. शी हैड नेवर सीन दिस काइंड ऑफ टॉयज इन लंदन. अनु की पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था. सो विद वुड, लकड़ी के साथ एक तीर कमान, बो एंड एरो. तीर कमान मींस दिस इज बो एंड दिस इज एरो, ओके, मेड ऑफ वुड. सो शी लाइक्ड दैट द मोस्ट. सो इन सब चीजों पे नोट कीजिए, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लगता था. सो दिस वाज व्हाट अनुज फेवरेट टॉय वाज. एंजेला उसकी विरोधी बनी थी. ओके, सो राम के अगेंस्ट कौन था विरोधी, शक्तिशाली रावण. सो वो रामायण को एक तरह से दे इज टू एनएक्ट दैट अनु विल प्ले राम एंड एंजेला विल प्ले रावण. वे एक साथ खेल रहे थे, उसे उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था. सो दे वर जंपिंग अराउंड एंड ऑल दैट एंड दे यूज्ड टू एंजॉय देमसेल्व्स. एंजेला और अनु ने देखा कि अलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया. सो बोथ द गर्ल्स सॉ कि अलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ इज अनदर मठ के सभागार, यानी कि द साधुस हु वर देयर, आई मीन द सभागार मींस द प्लेस दे वर लिविंग इन, वहां के साधुओं, युवा मींस द यंग साधुस,
को यू नो दे शॉट देम व्हाइल दे वर डांसिंग व्हेन दे वर डूइंग द नृत्य. एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है, कि क्या ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, ओनली मेल्स कैन डांस द सत्रिया, फीमेल्स कांट डांस. एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते. सो दे कुड फाइट लाइक द साधुस इन बिटवीन द डांस एंड सिंग लाइक देम. मां ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी में के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे. सो शी सेड इन द 20th सेंचुरी सम साधुस केम आउट ऑफ द मठ एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग अदर पीपल बोथ मेल्स एंड फीमेल्स द सत्रिया डांस. शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया था. नाउ दिस वाज नॉट अलाउड, सो हूएवर वाज गोइंग आउट टू टीच द सत्रिया डांस फॉर्म टू अदर्स, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मठ, सेइंग दैट नो यू कैन नॉट टीच डांस टू द आउटसाइडर्स, आपको मठ से निकाला जाता है. ओके लेकिन आधुनिक दौर पर, लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स नाउ, महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गया. लेकिन नाउ दैट वी आर इन द 21st सेंचुरी, इट हैज बिकम वेरी कॉमन, कि काफी आम बात हो गई है कि महिलाएं भी मंच पर ऑन स्टेज सत्रिया नृत्य का परफॉर्म करती हैं. तो अभी बात अलग हो गई है. उस रात मां महिला सत्रिया नृत्यांगनों का फिल्मांकन करने वाली थी. सो दैट नाइट हर मदर वॉज गोइंग टू रिकॉर्ड द डांसिंग बाय फीमेल सत्रिया डांसर्स. ओके एंजेला बहुत उत्साहित थी, शी वॉज वेरी एंथुसियास्टिक. उसने रीना आंटी से आग्रह किया. आग्रह का मतलब क्या है बताओ? आग्रह का मतलब है रिक्वेस्ट. उन्होंने आग्रह किया रीना आंटी से, रीना सेन आंटी से, कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे, दैट लेट अनु आल्सो कम अलोंग विद हर. ओके आंटी ने स्वीकृति, स्वीकृति मींस परमिशन, शी गेव हर, शी परमिटेड. ओके परमिशन दे दी. उस रात अनु और एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपालों, द्वारपालों मींस द बॉडीगार्ड्स हु वुड बी स्टैंडिंग सिक्योरिटी अराउंड लॉर्ड विष्णु. ओके भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय विजय की कहानी थी. सो उस डांस फॉर्म में दे आर टेलिंग अ स्टोरी. इफ यू नो अबाउट कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम और कथकली, उन सभी में एक कहानी बताई जाती है, या मोहिनी आटम, उन सभी में, या और कथक, उन सभी में एक कहानी बताई जाती है. ओके उसी तरह से सत्रिया में भी एक कहानी बताई जाती है. तो उस दिन, उस रात को जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसमें बात बताई जा रही थी, कहानी बताई जा रही थी जय विजय की. ओके जो कि द्वारपाल थे, द सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर भगवान विष्णु. पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं. तो उन्होंने देखा कि महिलाएं उस तरह की वेशभूषा पहनकर, सफेद वेशभूषा में पगड़ी पहनकर दो महिलाएं नृत्य कर रही हैं. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया. तो कई सारे ऋषि, कई सारे साधु भगवान विष्णु से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन जय विजय जो कि एक तरह के उनके सिक्योरिटी गार्ड से, उन्होंने कहा नहीं, आप भगवान विष्णु से अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे, कि अभी वो सो रहे हैं, आप उनसे अभी मुलाकात नहीं कर सकते. ये कहानी, इस कहानी को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था. वे ऋषि नाराज हो गए. ओके उन्हें क्रोध आ गया. उन्होंने जय विजय को असुर, असुर मतलब राक्षस बनने का श्राप दे दिया, यानी कि श्राप, आई मीन दिस इज राक्षस. ओके राक्षस, राक्षस और श्राप मतलब कर्स, कि यू नो यू विल बिकम इनटू अ राक्षस. ओके दे दिया. भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, जब भगवान विष्णु उठे, तो उन्होंने अपने द्वारपालों को बचाने के लिए उनको आना पड़ा. अरे आई हैव टू सेव जय विजय, राइट? उन्होंने वचन दिया, ही प्रॉमिस्ड, कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे, क्योंकि अभी वो राक्षस बन गए हैं. तो भगवान विष्णु ने क्या सोचा कि मैं उनको अभी मार देता हूं, ओके और बाद में वो फिर से पुनर्जन्म लेंगे, तब मैं उनको फिर से अपना द्वारपाल बना लूंगा. तो इस तरह से उन्होंने जय और विजय को साधुओं के श्राप से बचा लिया, ऋषियों के श्राप से बचा लिया. ओके
एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी. सो एंजेला फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं दैट इज द फीमेल डांसर्स ने जिस प्रकार की शक्ति बल और आकर्षण प्रदर्शित किया. सो दे वर वेरी एलिगेंट एंड दे वेरी लुक वेरी पावरफुल. यू नो द वे दे डांस्ड वे अद्भुत था. इट वॉज स्पेक्टेकुलर. यू नो इट वॉज रियली वेरी वेरी गुड. एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी. तो एंजेला की को लगा कि ये महिलाएं जो नृत्यांगना है ये तो पुरुषों से भी अच्छा नाचती है. उनका इनका नृत्य उनसे उनके नृत्य से भी बेहतर है. इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था. सो यू नो उनके दिमाग में वही चल रहा था. लुक एट हाउ एलिगेंट द डांस इज बीइंग कंडक्टेड. उन दिनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार उन दोनों ने यानी कि अनु और एंजेला ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया. सो दे वर कॉपिंग देम कि जिस तरह से वो डांस कर रही थी हम भी उस तरह से डांस करते हुए तलवार चलाएं. अलेक्जेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता से को समझ गई और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई. दैट इज व्हेन शी वाज इंटरव्यूइंग द डांसर्स शी टुक बोथ अनु एंड एंजेला विद हर बिकॉज शी रियलाइज कि इन दोनों को काफी दिलचस्पी है सत्रिया नृत्य में. तो अगर वे उनके इंटरव्यू होते हुए उनकी बातों को सुनेंगी तो उनको ज्यादा समझ में आएगा. उनकी दिलचस्पी भी सत्रिया नृत्य में ज्यादा बढ़ेगी. एंजेला और अनु बहुत खुश थी. उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे. ओके वे लड़कियों को सत्रिया और बीहू की बहुत कुछ खूबसूरत मुद्राएं मींस द वे यू विल होल्ड द फिंगर्स यू नो मुद्राएं यू विल एक्सप्रेस विद योर आईज एंड एवरीथिंग. ओके और बारीकियां मींस द फाइनर डिटेल्स यू नो बिल्कुल बारीकियां उंगली को ऐसे रखो कैसे रखना है आपकी एल्बो कैसे मुड़नी चाहिए. यू नो दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स. मुझे थोड़ा सा मालूम है क्योंकि मेरी बेटी भरतनाट्यम सीखती थी छोटी उम्र में. ओके सो बारीकियां मींस फाइनर डिटेल्स. ओके मुद्राएं मींस द जेस्चर्स. ओके द हैंड फेशियल जेस्चर्स हैंड जेस्चर्स एटसेट्रा. एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी. शी वॉज वेरी हैप्पी. वापस लौटने के बाद भी वे चलने खाना खाने और यहां तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती थी. कि वो लंदन वापस जाने के बाद भी खेलते हुए खाना खाते हुए भी नृत्य करती रहती थी. वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही विच हर मदर हैड शॉट. ओके हैड रिकॉर्डेड जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी. पूरे उत्साह के साथ वह आसाम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही. दैट शी केप्ट रिमेम्बरिंग द रिच समृद्ध मींस द रिच डांस फॉर्म्स ट्रेडिशन डांस ट्रेडिशन. नृत्य मींस डांस परंपरा मींस ट्रेडिशन ट्रेडिशन हिस्ट्री एवरीथिंग. ओके को याद करती रही. रंग बिरंगा हिस्ट्री इतिहास परंपरा इज ट्रेडिशन. रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बीहू. सो बोथ बीहू एंड सत्रिया वर इम्प्रिंटेड इन हर माइंड. उसको पूरी तरह से याद था. ओके माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के साथ अश्मी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की. सो बोथ ब्रायन एंड द मदर अलेक्जेंड्रा दे केम अप विद अ प्लान फॉर एंजेला. ओके बिकॉज दे अंडरस्टूड रुचि मींस इंटरेस्ट. ओके द इंटरेस्ट दैट एंजेला हैड इन बोथ सत्रिया एंड बीहू द डांस फॉर्म्स. एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया. सो एंजेला परफॉर्म्ड द डांस फॉर्म इन हर क्लास इन स्कूल. उसके सहपाठियों मींस क्लासमेट्स और शिक्षकों यानी कि टीचर्स को यह बहुत पसंद आया. एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी दैट शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड एंड हैप्पी कि वे आसाम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाए. दैट शी वॉज थ्रिल्ड. रोमांचित थी मींस शी वॉज एब्सोल्युटली एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड दैट शी वॉज एबल टू शो हर क्लासमेट्स एंड टीचर्स द ब्यूटिफुल डांस फॉर्म्स ऑफ आसाम. उसे बहुत अच्छा लग रहा था. माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होगी. तो उसको पता चला कि माँ जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है तो उसको भी ऐसे ही अच्छा लगता होगा जितनी खुशी मुझे हो रही है. कभी-कभी when my daughter was young, we used to take her on her shoots. जब हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह बनाने के लिए जाते थे तो उसका उस तरह से एक्सपोजर हो जाता है. यू नो व्हेन यू सी डिफरेंट थिंग्स तो छोटी उम्र में यू सी डिफरेंट वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग द क्लासरूम. असली पढ़ाई तो क्लासरूम के बाहर ही होती है. आई कैन टेल यू दिस.
तो जितना ज्यादा आप बाहर की दुनिया को देखेंगे आप उतने ज्यादा आपके एक्सपीरियंस होंगे और उससे आपका वर्ल्ड व्यू ज्यादा बढ़ेगा। ओके, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप घूमेंगे, जितना ज्यादा आपके एक्सपीरियंसेस होंगे। अब एंजेला के पास अपने लिए आसाम के नृत्यों बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। सो दिस वॉज हर वे ऑफ एंटरटेनिंग हरसेल्फ, कि यू नो वो खुद ही काफी एंटरटेन हो जाती थी। तो ये लिखा है जया मेहता ने और उसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन इनटू हिंदी किया है शिवेंद्र कुमार सिंह ने। सो लेखिका से परिचय भी कर लेते हैं जल्दी से। जया मेहता, जिसकी जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक नृत्यांगना है। शी इज अ डांसर, शी इज अ राइटर, लेखिका, शिक्षिका, शी इज एन एजुकेटर और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेते हैं, यानी कि शी इज एबल टू राइट सच ब्यूटिफुली अबाउट इंडियन डांस फॉर्म्स। ओके, इनका जन्म 1977 में हुआ। ये पार्ट उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। सो इट्स टेकन फ्रॉम ए बुक कॉल्ड नृत्य कथा विच शी हैज रिटन, विच मस्ट बी डांस स्टोरीज ऑफ डांस और समथिंग, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरभा नितालिया, चित्रांकन मीन्स ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा हैज बीन डन बाय सुरभा नितालिया। जय मेहता स्वयं भी उड़ीसा नृत्य उड़ीसी नृत्य में पारंगत हैं, दैट शी इज एन एक्सपर्ट इन उड़ीसी नृत्य आल्सो एंड कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं एंड शी हैज बीन परफॉर्मिंग हर डांस फॉर्म्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन और सारे जो थीम्स थे और पूरी कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई है। आप वर्ड मीनिंग्स ने आपने नोट कर लिए होंगे तो इसको समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। इसमें ज्यादा कठिन शब्द भी नहीं है, जो भी है उनके मतलब मैंने आपको, अर्थ मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। अब हम चलेंगे प्रश्नोत्तर की तरफ। चलिए अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ चलते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों को का सटीक उत्तर, सटीक मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट करेक्ट उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। मां अलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे आसाम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, उन्हें आसाम बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। नाउ सेकेंड वन बिल्कुल ठीक नहीं है, आई मीन प्रेम था लेकिन यहाँ आसाम जाने से पहले तो उनको इन दोनों नृत्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए, वे अपने ये तो अनु ने सिखाए थे, वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी, वो सहायता के लिए तो नहीं लाई थी। तो इसमें लगता है इन सभी, क्योंकि उन्होंने काफी रिसर्च किया था अपने डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि इन चारों में से ये सबसे ठीक रहेगा। ओके, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी, तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर कले मिलान आप मैच द फॉलोइंग करते हैं, इसमें थोड़े से छह हैं तो थोड़ा सा मैं साइज कम कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं वापस बढ़ा दूंगा। तो सत्र, सत्र का होगा ये छठवा ऑप्शन। ये आसाम के मठ हैं, इनकी संख्या 100 से भी अधिक है, तो पहले का ऑप्शन रहेगा छठवा। ओके, दूसरे का है बोहाग बिहू, ये आसाम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। लंदन कौन सा है? लंदन है यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी, ये हो गया 2। गुवाहाटी क्या है? गुवाहाटी है फोर्थ का के सबसे बड़ा नगर, फोर्थ का 5th ऑप्शन। देन ब्रिटिश एकेडमी कौन सी है? ब्रिटिश एकेडमी है यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था, तो ये हो गया 5वें का तीसरा और छठे का बाकी बचा एक 20वीं शताब्दी के अनुसार 1901 से 2000 तक। ओके, अब हम करते हैं पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए, यानी कि आप डिस्कस कीजिए और लिखिए। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में है, राइट? जिसे अपने वन्य जीवन यानी कि वाइल्ड लाइफ, रेशम यानी कि सिल्क
और चाय के बगानों टी गार्डन्स के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ असम में नृत्य का भी की भी एक समृद्ध परंपरा है। There is a rich tradition and culture of dances in Assam। तो इस वाक्य को आप किस तरह से विचार करते हुए क्या लिखेंगे? तो इस वाक्य का अर्थ यह है कि आसाम, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक पड़ता है, क्षेत्र में पड़ता है, वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जितना भी जीवन है, वन्य जीवन है, जो कि पशु और पक्षी जो जंगलों में रहते हैं, इसके साथ साथ रेशम और चाय की बागानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ आसाम की सांस्कृतिक धरोहर, ये अच्छा शब्द है, इसका इस्तेमाल कीजिए, धरोहर। ओके, धरोहर मतलब द एंटायर कैनवस ऑफ द कल्चर ऑफ आसाम भी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें उसके नृत्य शामिल है, जिसमें कि हमने सत्रिया और बिहू नृत्य के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़। ओके, तो आप इस पूरे आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ओके, इसका क्या लिखेंगे? तो इस वाक्य से हमको ये पता चलता है कि नृत्य और संगीत हमारी संस्कृति को दर्शाने का एक अच्छा माध्यम है और काफी प्रमुख माध्यम है। इसमें अलग अलग भावनाओं को दर्शाया जाता है। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, आपको यह भी बताया था कि ना केवल बिहू या सत्रीय, बल्कि भरतनाट्यम हो, कथकली हो, मोहिनीअट्टम हो, कथक हो, कुचिपुड़ी हो, ये सभी नृत्यों में भावों को काफी प्रमुखता दी जाती है। सो भावनाओं को दर्शाया जाता है, जिससे कि उस प्रदेश, यहां पर आसाम, या उस प्रदेश के, जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश की जो संस्कृति है, उसका जो इतिहास है, उनकी स्थानीय कहानियां, उनकी जो लोकल स्टोरीज के बारे में बताया जा सके। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए और जो मैंने हिंदी में बताया है उसको लिखिए। मैं बताने के साथ साथ आपको समझाने का भी काम कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तब आपको लिखने में मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं उत्तर लिख के दूं और आप उसको रट्टा लगाएं, मेरी बात मानिए, आप दो दिन में उसको भूल जाएंगे, फिर फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको आप समझ लेंगे, तब आप अपनी भाषा में आराम से, सरल भाषा में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सोच विचार के लिए निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? तो उसे अच्छा लगा होगा कि उत्सव और नृत्य दोनों को ही बिहू नाम से ही जाना जाता है। उसने मां से पूछा कि क्यों, क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही किए जाते हैं या बाकी समय पर भी किए जा सकते हैं? तो इस तरह के विचार एंजेला के मन में चल रहे थे। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कैसे? बिहू कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार है। आसाम, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है, आप ये पूरा वाक्य लिखिएगा, क्योंकि हमेशा आपको एक कॉन्टेक्स्ट और देना जरूरी है, और इससे आपकी जानकारी के बारे में भी आपके टीचर को पता चलेगा कि ओके, इस बच्चे को, इस बच्ची को ये जानकारी पूरी है। ओके, सो बिहू कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार है, जो कि आसाम में मनाया जाता है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में से एक है। बिहू को साल में 3 बारी मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, जब वो धान रोपते हैं, और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। इन तीनों समयों पर बिहू त्योहार मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में आसाम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन में यू हैव टू गिव एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट के लिए कुछ उदाहरण खोज कर लिखिए। सो आप ये लिखेंगे कि एंजेला लंदन तो वापस पहुंच गई, ओके, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी माँ की जो डॉक्यूमेंट्रीज के रिकॉर्डिंग्स थी, उनको बार बार देखती रहती थी। तो इससे पता चलता था कि वो आसाम की याद उनके मन में है और आसाम को से वे लगातार जुड़े रहना चाहती हैं। ओके, और उसके साथ साथ उनको उस समय के जो नृत्य उन्होंने देखे थे, बिहू नृत्य और सत्रिया नृत्य, उन सभी के बारे में पूरी जानकारी थी और वो हमेशा उनको याद करती थी। सो वापस लंदन जाने के बाद वे उन्हीं सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रहती थी जो कि उन्होंने, उनकी मां ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वे आसाम
की जो परंपरा को याद करती थी और रंग बिरंगे सत्रिया और बिहू नृत्यों का भी को भी एक तरह से प्रदर्शित करती थी। ओके, क्योंकि आपने आपने देखा होगा, मैं आपको चैप्टर से निकाल के बताता हूं, मैं आपको आपने देखा होगा यहां पर कि उन्होंने नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ उसका प्रदर्शन भी किया। ओके, और उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया, तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है कि उन्होंने उसका प्रदर्शन भी किया। ओके, आगे चलते हैं। सोच विचार के बाद का घ, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है, और ये काफी प्रमुख बदलाव आया है। प्रमुख बदलाव यह आया है कि अभी महिलाएं भी सत्रिया नृत्य करती हैं, कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठ से बाहर आए और उन्होंने बाहर आकर महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाना शुरू किया, लेकिन इसका जो परिणाम ये हुआ कि उनको मठों से बहिष्कार कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। लेकिन आधुनिक दौर में महिलाएं सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य कर रही हैं और ये आम बात हो गई है। आपको ये इस तरह का उत्तर पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, कोई भी पॉइंट छोड़ो मत। अब आगे चलते हैं निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बारी मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम की एक रोचक और सरस वर्णन किया गया है। ओके, ए वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, कि लगता है कि मानो हम कहानी कोई कहानी पढ़ रहे हैं। सो इस निबंध में वस्तु घटना प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। हम आसाम के बारे में और उनके नृत्यों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। इसमें जो भी जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है, कि जो भी एंजेला और उनकी माँ देख रही है, खासतौर से एंजेला देख रही है, उसका पूरा वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है, यानी कि एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलते हैं कि वो लंदन से इंडिया को आए, आसाम गए, वहां पर क्या पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, कुछ दिन क्या हुआ, और उसके बाद वो लंदन चले गए। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक लॉजिकल ऑर्डर में जा रहा है। ओके, इनमें आम जीवन की बातें होती हैं, इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना, कि अगर हम किसी त्योहार के बारे में बताएं तो किस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर बिहू और सत्रिया नृत्य के बारे में और बिहू त्योहार के बारे में भी बताया गया है। सो इस पाठ को एक बारी फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से स्टोरी को कंस्ट्रक्ट किया गया है। हाउ हैज द स्टोरी बीन कंस्ट्रक्टेड। इस पाठ की विशेषताओं को पहचानिए कि कितने डिटेल में हर चीज को विस्तार में बताया गया है, और अपनी कक्षा में साझा कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ उसको डिस्कस कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है, तो किस तरह से किया है उसको आपको अपनी क्लासरूम में अपने सहपाठियों के साथ डिस्कस करना है। अब आगे चलते हैं अनुमान या कल्पना से। अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए बिहू नृत्य और इसके उत्सव में अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला, ये आपको अनुमान लगाना है या अपनी इमेजिनेशन से लिखना है कि क्या हुआ होगा। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया। अचंभित इसलिए हो गया क्योंकि इस तरह की संस्कृति, इस तरह का त्योहार और इस तरह का नृत्य एंजेला और उसका परिवार पहली बारी, अलेक्जेंड्रा और ब्रायन पहली बारी देख रहे थे। उनको इससे पहले आसाम की जो संस्कृति थी, उनका जो त्योहार थे, उनका जो नृत्य था, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, और इससे पहले उनको इस बात की बिल्कुल भी एक तरह का एक्सपोजर नहीं था। उनको ये देखने का मौका पहले नहीं मिला था, तो इसलिए वो सब देख के वो अचंभित हो गए। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वे लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। सो एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी। सो पहली तैयारी ये की होगी कि जितने भी कपड़े वगैरह लेने हैं, जूते लेने हैं, उन सभी का प्रबंध किया होगा कि उनको सब सूटकेस वगैरह में बांधे। दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने स्कूल को यह सूचना दी होगी कि एंजेला कुछ दिनों तक और स्कूल से छुट्टी पर रहेगी, वो स्कूल बिकॉज वो क्योंकि वो भारत जा रही है।
वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच लगाया गया था, बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? क्योंकि बिहू नृत्य इसमें काफी लोग शामिल होते हैं, तो उन सभी को नाचने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है। तो अगर एक मंच बिछाया जाएगा एक पेड़ के नीचे, तो काफी एक स्पेस रहेगा, एक जगह रहेगी जहां से सभी लोग उनके नृत्य को देख सके। तो इस वजह से एक मंच बनाया गया होगा। और बरगद के पेड़ के नीचे इसलिए लगाया है क्योंकि एक तरह से बिहू, हमको पता चला है कि एक कृषि प्रधान त्योहार है, तो एक तरह से ये वातावरण से, नेचर से जुड़ा हुआ रहता है और एक तरह से एक समा बन जाता है जिसमें कि लोग इस नृत्य का आनंद लें। अब शब्दों की बात करते हैं। नीचे शब्दों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी या अपने टीचर्स वगैरह से सहायता ले सकते हैं। आसाम से जुड़े शब्द, इनमें से शब्द ऐसे हैं जो आसाम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह से मिलकर उन शब्दों को पहचान कीजिए, जैसे संकेत आसाम के नृत्य, त्योहार, भाषा आदि। ओके, देखते हैं। तो आसाम से जुड़े हुए कौन कौन से शब्द हैं? ओके, तो एक तो हो गया था बिहू। बिहू की बात करेंगे ऑब्वियसली आप। ओके, एक तो हो गया था बिहू, दूसरा हो गया था ऑब्वियसली सत्रिया। ओके, तीसरा हो सकता है आप चाय के बारे में लिख सकते हैं क्योंकि चाय के बागानों के बारे में लिखा गया था। आप मठ के बारे में लिख सकते हैं, जितने भी मठ थे या सत्र थे उनके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आसामिया जो भाषा है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं। कोई और भी शब्द हो तो उनके बारे में भी आप लिखिए। तो असम में बिहू साल में 3 बार ही मनाया जाता है। ये तीनों तस्वीरें ली गई हैं, एक तो बैसाख के महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में जब ये लोग लंदन से वहां आए थे, फिर जनवरी में और अक्टूबर में। ओके, तो एक्चुअली अप्रैल, अक्टूबर एंड जनवरी होता है। ओके, तो एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर आई थी? अप्रैल के महीने में आई थी, यानी कि रंगोली या बोहाग के समय पर वो आई थी। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। तो पहले तो वो बीज बोते हैं, उसके बाद वो रोपते हैं, और उसके बाद जब अनाज कटने के लिए तैयार हो जाता है तब भी बिहू त्योहार को मनाया जाता है। ओके, रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसा ही अन्य शब्द बिट्टो भी है। ओके, हिंदी में बोलते हैं। ओके, आपके घरों में आपको प्यार से किन किन नामों से बुलाया जाता है? अभी जैसे मेरी बेटी है, ओके, उसका नाम है तेजस्विनी, तो ऑब्वियसली उसका घर का नाम तो तेजू है। ओके, लेकिन मेरी वाइफ जो है उसको तेजा बुलाती है, मैं तेजू बुलाता हूँ। ओके, मेरे जो फादर है उसको प्यार से तेजुकुटी बुलाते हैं। ओके, ये एक तरह का प्यार से कन्ना भी बुलाते हैं। ओके, मैं उसको कन्ना भी बुलाता हूँ, कुट्टी भी बुलाते हैं। तो ये तरह के तमिल के थोड़े से शब्द हैं जो कि प्यार से लोगों को बच्चों को बुलाने के लिए करते हैं। आपके घर में जो है उसके बारे में आप लिखिए। आपके नाम का अर्थ क्या है, आपका नाम किसने लिखा, ये सब आप लिख सकते हैं। आपका नाम किसने रखा, मेरी बेटी का नाम मैंने रखा था। ओके, वे एक साथ खेल रहे थे, आपको कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ, ये सब आपको लिखना है। आपको जो भी आपकी व्यक्तिगत राय है, इंडिविजुअल ओपिनियन है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। देन पूर्वोत्तर की यात्रा आसाम की है। आप कभी आसाम गए हैं? जैसे मैंने कहा वहां पर आसाम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, आसाम 8वां राज्य है। तो ये 8 राज्य आते हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारे पड़ते हैं। ओके, दे आर ऑल इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, उसे लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में जाकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन का मतलब ये होता है कि आप आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं। जैसे मैं कहूं कि मेरे को
जानना है कि 1947 में, 1947 में जब भारत को आजादी मिली, 15th अगस्त 1947 को भारत में किस तरह का माहौल था। अगर मुझे जानना हो तो मैं टाइम मशीन में बैठकर पीछे मुड़ जाऊं, 75 साल पीछे चला जाऊं, ओके, तो कैसा रहेगा, राइट? तो ये टाइम मशीन, या मैं सोचूं, मैं सोचता हूं 2050 में भारत कैसा होगा, तो मैं टाइम मशीन में 26 साल और आगे चला जाऊं। तो इस तरह की चीजें, टाइम मशीन, ये एक साइंस फिक्शन है, ये ऑब्वियसली हो नहीं सकता है, लेकिन टाइम मशीन से लोग अपनी इमेजिनेशन से ये सोचते हैं कि कैसा होगा, ओके? तो साइंस फिक्शन की इस तरह की कहानियां होती हैं। तो यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान में, जैसे मैंने अभी दो चीजों की बात की, आप उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि आपको कौन से समय में जाना है जिसकी जिसकी आपको कल्पना करनी हो या आपको देखना हो कि मैं चाहता हूं कि मैं राणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था उसको मैं देखूं, ओके? तो आप शायद जाएंगे 16 सेंचुरी के तकरीबन, ओके? तो उस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको यदि कोई वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई हो तो आप क्या बनाएंगे, अभी आपको थोड़ा इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे हम बच्चे थे, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, तब मोबाइल फोन्स की कल्पना करना भी बड़ा अजीब सा लगता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि फोन लेकर कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, राइट? लेकिन आज की दुनिया में मोबाइल फोन के बिना तो जीवन ही नहीं चलता है, राइट? तो आगे चल के क्या होगी दुनिया, तो मुझे लगता है कि मोबाइल फोन्स की भी जरूरत नहीं होगी, आपके शरीर के अंदर ही कोई ऐसा होगा कि अगर आप सोचें कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है और अगर आप अपने दिमाग में कोई चिप को दबाएं, आप सीधे ही बात कर सकते हैं, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद हम जीवित ना होंगे, लेकिन शायद 50-100 साल बाद इस तरह की वैज्ञानिक खोज हो सकती है शायद, ओके? क्या आपने कभी किसी संग्रहालय यानी म्यूजियम की यात्रा की है? अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल जाइए, दिल्ली में बहुत सारे हैं, हर शहर में कोई ना कोई संग्रहालय आपको जरूर मिलेगा। हैदराबाद में सलारजंग म्यूजियम है। संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहां पर विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है, क्योंकि आप एक पहले वाले इतिहास में जा रहे हैं, ओके? खिलौने विभिन्न प्रकार के, एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरीके थे। अनु के खिलौने कैसे थे? अनु के खिलौने लकड़ी के बने हुए थे, नारियल के बने हुए थे, और एंजेला में खिलौने लंदन में जो थे वो शायद सॉफ्ट टॉयस रहे होंगे, ओके? आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते हैं ये सब आपको खुद लिखना है, इसमें मुझे कोई बताने का कोई योगदान नहीं करने का है, आपको जो लिखना है। और इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में, मैं सोचता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो आपकी राय है एक तरह से, ओके? तो आपको कागज मिट्टी के खिलौने बनाना पसंद है, अगर आपको लगता है तो आप इसके बारे में उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे खिलौने होते हैं जिससे कि काफी सारे बच्चे खेलते हैं। अगर आप एंजेला हैं तो आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो आप लिखेंगे, प्रिय अनु, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपकी माता दोनों ही कुशल मंगल है। मैं जब से आसाम से वापस आई हूँ, मुझे आसाम की बहुत याद आ रही है। जिस तरह का हमने अनुभव किया सत्रिया नृत्य को देखकर, और सत्रिया नृत्य को खुद भी नाच कर का नृत्य खुद करके, जब आप राम बनी थी, मैं रावण बनी थी, तो उससे बहुत आनंद आ रहा था। और उससे उसकी जो रिकॉर्डिंग्स जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि काश मैं अभी भी उस समय को वापस जी पाती। तो इस तरह का एक नॉस्टैल्जिक, एक तरह से यादों भरा खत पत्र आपको अनु को लिखना पड़ेगा। तो वो और आपकी प्रिय मित्र एंजेला करके आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदी का चैप्टर है, आपको मानना पड़ेगा कि एंजेला को हिंदी आती है, हालांकि ऑब्वियसली एंजेला विल नॉट नो हिंदी, राइट? तो आपको ये पत्र भी हिंदी में लिखना होगा, बेसिकली आपकी पत्र लिखने की शक्ति को टेस्ट किया जाएगा, ओके? तो ये होता है इनलैंड लेटर। आजकल तो आपने देखा ही नहीं होगा, अपने दादाजी या नाना जी या नानी जी या दादी जी से आप पूछिए कि आपको वो पोस्ट ऑफिस ले जाएं और आपको ये इनलैंड लेटर दिखाएं या पोस्ट कार्ड दिखाएं। ये नीचे जो पीले कलर का है इसको बोलते थे पोस्ट कार्ड, ओके? इसको बोलते थे पोस्ट कार्ड, अभी भी मिलता है, लेकिन अभी तो ऑब्वियसली ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, एसएमएस का जमाना है, ओके? इसको बोलते थे इनलैंड लेटर, ओके? तो इन दोनों पर यहां पर स्टैंप लगता था,
ओके यहाँ पर स्टैंप लगता था, ओके अगर किसी को भी भेजना है तो स्टैंप लगा के आप इसको खत को भेज सकते थे। आप इसमें ज्यादा नहीं, इसके दूसरी तरफ पूरा प्लेन होता था और फिर यहां पर भी आप लिख सकते थे, इसमें आप इसके उल्टी साइड और फिर यहां पर भी लिख सकते थे, तो इसमें जगह, इस वाले में जगह ज्यादा होती थी। ओके ये होते हैं डिफरेंट टाइप के स्टैंप। आप देख सकते हैं इसमें अगर ये स्टैंप है तो ये 5 रुपए का स्टैंप है, ओके तो ये अलग अलग, ये 10 रुपए का स्टैंप है। तो इस तरह से स्टैंप की वैल्यू होती है। ये इन सज्जन का नाम है हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन के फादर हैं थे, ओके ही वाज फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। ये है मुंशी प्रेमचंद जिनकी कहानी आपने पढ़ी है। ये है मैथिली शरण गुप्त, अनदर वेरी प्रसिद्ध राइटर। ये कबीर के दोहे जो पढ़े हैं, कबीर के दोहे होते हैं जैसे रहीम के दोहे, ये कबीर हैं। उसके साथ साथ ये तुलसीदास हैं जिनकी रामचरितमानस पढ़ाई जाती है, ओके तो ये कुछ लोग हैं जिनको कि मैं पहचान सकता हूं, जिनके बारे में मैं कुछ बता पा रहा हूं आपको, ओके चलिए ये और हैं आप देख सकते हैं इसमें। ये महादेवी वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, कवि थी। ये रामधारी सिंह दिनकर जिनकी कहानी हम पढ़ेंगे हिंद महासागर वाला 12वां चैप्टर, ये उनका है, रामधारी सिंह दिनकर का, ओके आप लिख सकते हैं आपको कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा। इसको स्टैंप्स कहते हैं अंग्रेजी में। स्टैंप कलेक्शन काफी एक पहले हॉबी होती थी, मेरी भी हॉबी थी, मेरे पास बहुत सारे स्टैंप्स थे। तो स्टैंप कलेक्शन एक हॉबी होती थी और इसको एक किताब में चिपका के रखते थे, तो मेरे पास इतनी मोटी सी स्टैंप कलेक्शन वाली बुक थी, स्टैंप बुक बोलते थे। तो ये तो हो गए, इसके बाद आज की पहेली वाला है, ओके इन पहेली को आप सुलझाने की कोशिश कीजिए कि और इसको मैच करने की। सो हाथीर दांत कदमर पात, ओके पानी आसे हाथी के दांत सी कदम के पात सी, पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं, लग रहे लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे लग जाए, काला तन और छह है चरण। ये तो इसका हो गया ना, तो इसके तो ये मूली नारियल होंठ और चींटी की बात हो रही है यहां पे, ओके अब इसके बाद आपको ये वाला पढ़ना है। ये आपके चैप्टर का भाग नहीं है, इनफैक्ट ये वाली जो टोपी है ना ये मेरे पास भी है, वहां पे मेरे पास वहां पर लगी हुई है, ओके निकाल नहीं पाऊंगा, बहुत ऊपर लगी हुई है, ओके तो ये आसाम का, ये इसको बोलते हैं हैट, इसको पहन के, टोपी पहन के लोग नाचते भी हैं, ओके और ये आसाम के सारीस वगैरह हैं जो कि बहुत ही अत्यंत सुंदर सारीस माने जाता है। तो ये उसको बोलते हैं मोगा सिल्क, ओके MUGA या MOGA करके भी स्पेलिंग करते हैं इंग्लिश में। मोगा सिल्क सारीस होती है आसाम की, ओके वो काफी प्रसिद्ध है आसाम की। तो ये बिमल श्रीवास्तव ने लिखा है, ओके जो कि एक पत्रकार है, तो उन्होंने इस बात को यहां पर लिखा है। अब आगे इसके बाद आपको इंटरनेट में और खोजबीन करनी है, तो जिसके साथ साथ हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया, थोड़ा लंबा चैप्टर था और इसमें प्रश्न भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुख्य प्रश्न है, चैप्टर जो मैंने समझाया है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज इन जैसे प्रश्नों में से आपको एग्जाम में प्रश्न उस तरह से नहीं आएंगे। तो अगर आपने चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लिया तो उसमें से कोई भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर आप पूरी तरह से दे पाएंगे, और स्पेलिंग्स का खास तौर से आप ध्यान दें, ओके टाटा बाय बाय, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।